हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर चुके हैं, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये वाले। जैसे क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है थर्ड वाला कि अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, यानी कि एक औरत है जो क्या कर रही है, उसके घर से सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और वो जो चल रही है ना तो चलते टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। एक स्ट्रेट रोड है जो कि उसके ऑफिस तक जा रहा है और उसका ऑफिस कितना दूर है घर से, 2.5 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस हमारे पास में है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और निकली कितनी बजे है वो, सुबह 9 बजे वो निकली है, करेक्ट। और उसकी जो स्पीड है, उस लेडी की जो स्पीड है वो है हमारे पास में 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे अपने को डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, दो चीज़ें अपने को गिवन है, और कितने बजे वो निकली है वो टाइम अपने को गिवन है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोला इन्होंने, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, मतलब कि सुबह 9 बजे वो घर से निकल रही हैं मॉर्निंग में, और 9 बजे निकलने के बाद में जितना भी उनको टाइम लगा ऑफिस पहुँचने में, ऑफिस पहुंचने के बाद में शाम को 5 बजे तक यानी कि 5 PM तक वो ऑफिस में रुकती है, उसके बाद में एंड रिटर्न्स टू होम बाय एन ऑटो विथ ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, 5 बजे एग्जैक्टली उन्होंने ऑफिस छोड़ा, ऑफिस छोड़ने के बाद में उन्होंने एक ऑटो पकड़ा जो कि उनको उनके घर पर ड्रॉप करेगा। देखिए घर पर ड्रॉप करेगा मतलब कि वापस ऑफिस से घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये जो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये वो कितनी स्पीड से आ रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस वो घर की तरफ आएगी, ठीक है। अब चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। अब आपको इस पूरी सिचुएशन का ग्राफ बनाना है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करो, एक्स और वाई एक्सिस ले लो, तो ये हम लोग बना लेते हैं इसका ग्राफ। अब यहां पर देखिए कि यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं 0, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइम जो कि इस तरीके से रहेगा, और ऊपर जो रहेगा पोजीशन रहेगा, क्योंकि एक्सटी का मतलब होता है पोजीशन, और टाइम ग्राफ आपको इसका ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लेडी क्या कर रही है, 9 बजे से स्टार्ट कर रही है, 9 बजे वो क्या कर रही है, ऑफिस के लिए निकल रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 9 बजे, मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास में इसको हम लोग मानेंगे 9 बजे, इसको मान लेंगे हम 10, इसको मान लेंगे 11, इसको मान लेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, इसके आगे कर दीजिए 6। ये हम लोगों ने टाइम लिख लिया, और ये टाइम कैसे है, घड़ी के अकॉर्डिंग है कि 9 बजे हुए हैं, यहाँ पे 10 बजे, ये 11 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से हम लोगों ने टाइम लिख दिया। अब जो ऊपर है, ऊपर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस, ये ले लेते हैं हम लोग 1 किलोमीटर, ये ले लेते हैं 2 किलोमीटर, यहाँ पर ले लेते हैं 3 किलोमीटर, यहाँ ले लेते हैं 4 किलोमीटर। अब 4 से ज़्यादा की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी जो ऑफिस का डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर ही है, मतलब कि वो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चल रही है, ठीक है। अब देखिए वापस अब सिचुएशन को अपन समझते हैं, ग्राफ तो हम लोग बना चुके। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो सुबह सुबह वो 9 बजे निकलती हैं, 9 बजे निकलने के बाद में ऑफिस पहुँचने में वो कितना टाइम लेगी। देखिए स्पीड अपने को पता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, डिस्टेंस अपने को पता है 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम कितना उनको लगने वाला है इस सिचुएशन में। तो टाइम का जो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं वो, 2.5 अपॉन स्पीड कितनी है, 5। तो यहाँ पे अगर आप इसको कट करोगे 2.5 और 5 को, तो आ जाएगा नीचे 2, ऊपर आ जाएगा 1। तो टाइम जो आया वो आया आपके पास में हाफ आवर का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, करेक्ट। यानी कि अगर वो 9 बजे घर से निकल रही हैं तो एग्जैक्ट 9:30 बजे यानी कि 9:30 पे वो कहाँ पहुँच जाएगी, उनकी ऑफिस पहुँच जाएगी। दैट मीन्स 9:30 वो कहाँ होगी, ऑफिस में होगी। आधा घंटा उनको पहुँचने में लगा, इस आधे घंटे तक उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया। तो देखिए हमारे पास में जो ग्राफ है उसके उस ग्राफ के अंदर 9 बजे और 10 बजे के बीच में यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं पॉइंट, उसको नाम दे देते हैं 9:30, क्योंकि 9 और 10 के बीच में ही 9:30 बजे होंगे। तो 9:30 बजे वो कहाँ होगी, उसके ऑफिस में होगी, उसके ऑफिस में यानी कि 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस अब देखिए मेंशन करिए एक बार, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहीं 2.5 यहाँ मिलेगा आपको।
अब ये 9:30 और इसको दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट आपको क्या होगा यहां पे मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये अपने को मिल गया 9:30 AM टाइम पर और 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ओके, अब इसने क्या बोला है कि 9:30 से लगाकर शाम को 5 बजे तक वो कहाँ रहती है, ऑफिस में रहती है। मतलब कि शाम को 5 बजे यानी कि इस टाइम तक वो कहाँ मिलेगी आपको, ऑफिस में मिलेगी। तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, मतलब कि उनका ऑफिस कितना, घर से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट होगा आपका शाम को 5 बजे और 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जैक्ट शाम को 5 बजे वो क्या कर रही है, निकल रही है घर के लिए, और घर के लिए निकलते टाइम पे वो ऑटो ले रही है। ऑटो की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास में वही है 2.5 किलोमीटर, क्योंकि जितना डिस्टेंस जाने में है उतना उतना डिस्टेंस आने में है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2.5 विल बी डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और स्पीड है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको टाइम मालूम पड़ जाएगा कितना टाइम आने में लगेगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 25 का अगर आप टेबल बोलोगे तो 25 और ये हो जाएगा 10 टाइम्स आपका 250 आ जाएगा। अब अगर आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएंगे अराउंड 6 मिनट, ये आप करके देख सकते हैं, 6 मिनट आपको मिल जाएंगे। जो भी आएगा वो आर में आएगा हमारे पास में 1/10 आर, अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास में 6 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 मिनट अपने को मिल चुका है, 6 मिनट यानी कि जब वो शाम को 5 बजे ऑफिस से रवाना होती है, निकलती है, तो उनको घर पे आने में कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। यानी कि 5 बज के 6 मिनट पर वो कहाँ पहुँच जाएगी, घर पहुँच जाएगी। दैट मीन्स ये हमारे पास में यहाँ पे ग्राफ में ये जो है ये 5 है, 5 बज के 6 मिनट यानी कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। अगर आपके पास में एग्जैक्ट ग्राफ हो तो उस ग्राफ में आप बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रफली बता रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर टाइम, ये मैंने मान लिया, ये वाला जो टाइम है इसको मान लिया 5 बज के 6 मिनट, करेक्ट। तो देखिए अब उसने क्या करा कि 5 बजे निकली और 5 बज के 6 मिनट पर वो घर चली गई, मतलब अगला पॉइंट आपको ये वाला मिल गया। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, लाइंस खींचेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो इनिशियल पॉइंट था वो था 9 बजे निकली और ये पॉइंट मिला, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये पॉइंट अगले पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा, दैट मीन्स इससे ज्वाइन हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद में शाम को 5 बजे निकली और 5 बज के 6 मिनट पर पहुंची, दैट मीन्स इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। मतलब पूरी जो सिचुएशन थी जिस जो इसने होल डे में करी, इसके पूरे दिन में जो जो करा, सुबह 9 बजे निकली, उसके बाद में 9:30 यानी कि 9:30 पर क्या हुआ, वो ऑफिस पहुंच गई। अब उसके बाद में कंटिन्यूसली वो ऑफिस में बैठी रही, मतलब कि ये जो सिचुएशन दिखाती है ये क्या दिखाती है, रेस्ट पर है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा रेस्ट पर दिखा रहा है। उसके बाद में वापस उन्होंने मोशन शुरू किया तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो है वो मोशन दिखा रहा है। और ये वाला भी इनिशियली 9:30 तक भी क्या कर रहा है, मोशन दिखा रहा है। तो ये पूरा ग्राफ उसका हो गया कि क्या क्या सिचुएशन उन्होंने पूरे दिन में करी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं।